गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज मैं बना रही हूँ मावे की बर्फी, बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्ट और बिल्कुल बढ़िया लाइट मीठे वाली। तो उसी की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बर्फियाँ फटाफट से बन जाती हैं सिर्फ 10 मिनट में, इनमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपके पास मावा होना चाहिए और 10 मिनट में ये बर्फियाँ आपकी तैयार हो जाती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया है मावा। मावा मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको घिस लिया है। घिसने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। मावे को डाल दिया मैंने कढ़ाई में। अगर आप ताजे मावे की बना रहे हैं तो ताजे मावे की भी इसी तरीके से बनेंगी। जैसा प्रोसेस इसमें है सेम वही प्रोसेस उसमें आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मावा पहले से ही मेरा निकला हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने मावा डाल दिया कढ़ाई में। मावा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी बूरा। तो यहाँ पर मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, बूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया बूरा। तो आप जिस तरीके का भी मीठा खाते हो, अगर तेज मीठा पसंद है तो तेज भी डाल सकते हैं, हल्का मीठा पसंद है तो हल्का भी। आप जितना भी इसमें कम मीठा डालेंगे ये जम जाएंगी। जब आप चीनी से जमाएंगे तो चीनी से थोड़ा सा डर भी रहता है बिगड़ने का, कि जमती हैं किसी की नहीं जमती हैं। लेकिन जब भी आप बूरा से कभी भी बर्फियाँ जमाएंगे तो 100% सेफली आपकी बर्फियाँ बिल्कुल हलवाई जैसी तैयार होंगी। तो यहाँ पर आज मैं बूरा वाला प्रोसेस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बूरा डालने के बाद इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा मावा और बुरा ये कढ़ाई में चिपक ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बूरा और मावा जो है ये मेल्ट हो गया है अच्छे से। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2-3 बार। जब इसमें 2-3 बार उबाल आएगा उसके बाद हमें कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम ज़्यादा पकाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बर्फियाँ जो हैं थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती हैं और वो खाने में टेस्टी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं पकाना है। बूरा डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 उबाल आने पर ही हमें कढ़ाई को नीचे उतार लेना है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें आज घिसा हुआ जो नारियल होता है वो भी यूज करूँगी, वो भी डालूँगी, तो उससे बर्फियाँ हमारी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करनी भूल गई थी, तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं पाई आप लोगों को। इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर नारियल का जो वो घिसा हुआ नारियल है वो मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और ध्यान रखिएगा आपको जो नारियल डालना है बिल्कुल उस टाइम डालना है जिस टाइम आपकी 2-3 उबाल आने के बाद कढ़ाई उतारने का टाइम हो जाए। अब मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया और नीचे उतारने के बाद इस तरीके से घोटने की हेल्प से इसको घोट लेना। आप जितना ज़्यादा घोटेंगे आपकी बर्फियाँ उतनी ज़्यादा मुलायम और उतनी बढ़िया जमेंगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको घोट लूँगी। कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो इसको अच्छे से घोट लीजिए। घोटने के बाद मैंने परात में घी लगा लिया था और घी लगाने के बाद इसमें ये मैंने अपना पेस्ट डाल दिया है। डालने के बाद ही आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये बर्फियाँ हमारी कितनी बढ़िया जमेंगी। मैं आपको पहचान बताती हूँ कि जैसे ही परात में डालने के बाद आपको दिखेगा कि ये मलाई की तरह जब ऊपर चिकनी सी परत आने लगेगी तो समझ लीजिए आपकी बर्फियाँ बिल्कुल परफेक्टली जमेंगी, बिल्कुल भी बिगड़ेंगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे ये परात में फैल रहा है, ये देखिए इस पर एक मलाई सी आ गई है। तो अब ये हम रेस्ट के लिए रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए जमकर तैयार हो गई हैं। आप अपनी मनपसंद अनुसार पीस काट लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बर्फियाँ तैयार हुई हैं। कलर भी इनका बिल्कुल सफ़ेद है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो भी घर की तो कोई भी चीज़ हो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये घर का ही दूध का मावा है, तो बढ़िया बर्फियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो मेरी बर्फियाँ तो तैयार हो गई हैं, आप सभी भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की मेरी बर्फियाँ यहाँ पर तैयार हुई हैं, कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया। ये देखिए बिल्कुल बनी है मार्केट जैसी एकदम बढ़िया बर्फियाँ। तो आप सभी भी खा लीजिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।